तो ये साड़ी मैं लेके रहूंगी। सुनो, वो जो मार्केट में साड़ी की दुकान है वो तुम्हारे दोस्त की है ना? हाँ वो मेरे दोस्त की है। उसने डिस्प्ले में एक बड़ी प्यारी साड़ी लगा रखी है। उस साड़ी को देखकर मेरा मन डोल जाता है। अब तुम ही बताओ वो साड़ी कहाँ होनी चाहिए? तो इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी, साफ साफ बताया करो ना भाई। डिस्प्ले में तूने कोई साड़ी लगा रखी है क्या, ब्लू कलर की। अरे ब्लू कलर की? भाई उस साड़ी को अभी के अभी डब्बे में पैक करके कहीं अंदर रख दे। ये ऐसी साड़ियां क्यों लगाता है डिस्प्ले में जिसको देख के औरतों का मन डोले? अरे अब नहीं डोलेगा मन तुम्हारा, रखवा दी अंदर। वैसे तो मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को जानता हूं, पर क्या ये नाथूराम गोडसे जी भी तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करते थे? नहीं, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिस तरह से तुम मेरे पर्स में से चुन चुन के गांधी जी को उड़ा रही हो ना, मुझे लगा तुम और गोडसे जी कहीं दूर के रिश्तेदार तो नहीं हो। सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई, सारे मजदूर मर गए। हाँ यार, आप कैसे बच गए? मैं बाहर गुटखा लेने चला गया था। भगवान का शुक्र है आपकी जान बच गई। वैसे कंपनी उनके घर वालों को 10-10 लाख रुपए दे रही है। आग लगे तुम्हारे गुटके को, कितनी बार बोला है गुटका मत खाया करो, गए ना हाथ से 10 लाख। हम लोग अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें शेयर नहीं करते। वो तो है। अभी पिछले शनिवार को मेरे और मितेश प्रीतेश के पापा के बीच में आधी रात को जो हुआ, चकुड़ी ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें हैं। नहीं नहीं मैं बोले दीजिए ना। मितेश प्रीतेश के पापा ने मुझे आधी रात को जगा दिया और बोले बस बस बस। नहीं नहीं आना, उन्होंने ऐसे बस बस नहीं बोला। वो तो मुझे बोले, हेलू मेरी इच्छा पूरी करो ना, नितेश पितेश भी बाप के साथ सो रहे हैं। तो मैंने कहा हटिए, रात के 2 बज रहे, कुछ तो शर्म कीजिए, चोर होगा। एक्सक्यूज मी? हाँ उन्होंने कहा रवाई से बनाओगी तो भी चलेगा, मिक्सर ग्राइंडर मत इस्तेमाल करना तो शोर नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब बोलिए, रात के 2 बजे कोई किसी को लस्सी बनाने के लिए जगाता है क्या? ना ना, मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। सुनो, अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? मैं सुखी होता और क्या होता। जब मैं स्माइल करती हूँ ना तो ना कोई डिंपल पड़ता है और ना ही किसी का कत्ल होता है। बस मेरी आंखें ना छोटी छोटी हो जाती हैं। ये देखो वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो, तमीज से पेशा उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो से, क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर, लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से। ये बता भारत में कुल मिला के कितने टाइगर है? एक। सिर्फ एक? हाँ, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ। बाबा मैं तो फ्रूट खाने जा रही थी। वो दिख रहा है तेरे चेहरे पे मेरी कुतुब मीनार, बाघ टाइगर राम के इंसान की नहीं, बाघ की बात कर रही है। बाघ समझती है ना तू? अच्छा अच्छा बाघ। हाँ। कितने भारत में? बहुत सारे हैं बाघ, जलिया वाला बाघ, राष्ट्रपति भवन का मुगल बाग, मैसूर का बाग, कमला नेहरू बाग और बाजू वाला भिकू भाई चाप से छेड़ा बाग।